आज का टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ सेट, है ना? ठीक है, पहले पढ़ लिया क्या हमने? पढ़ लिया सेट्स पढ़ लिया, व्हाट इज सेट पढ़ लिया, है ना? सेट के टाइप्स पढ़ लिए, वो रिप्रेजेंटेशन पढ़ लिया, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। उसके बाद क्या कर लिया? एक्सरसाइज 1.1 कर लिया, इतना कर चुके हैं। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेट। तो इसमें पहला टाइप है एम्प्टी सेट। जैसे नाम से पता चल रहा है, एम्प्टी का मतलब क्या होता है? खाली, है ना? एम्प्टी का मतलब खाली। जैसे एम्प्टी कोई बर्तन है तो खाली है, तो उसको बोलते हैं एम्प्टी है, है ना? ठीक है, तो सेट, एम्प्टी सेट का मतलब क्या? ऐसा सेट जो खाली हो, मतलब उसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, है ना? तो इसको क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, सेट इज सेट टू बी एम्प्टी, और नल सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट को नल सेट भी कह सकते हैं, एंड वॉइड भी सेट कह सकते हैं, वॉइड सेट ये भी कह सकते हैं। ठीक है, इफ देयर इज नो एलिमेंट प्रेजेंट इन दिस सेट। अगर किसी सेट में एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो उस सेट को क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट। जैसे एक एग्जांपल अगर ले, हम एक सेट बोला ए, ठीक है, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज प्राइम नंबर लेस देन टू। ठीक है, ये एक सेट है जिस किस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्राइम नंबर लेस देन टू। ठीक है, तो प्राइम नंबर होता क्या है? इससे पहले तो ये पता होना चाहिए, प्राइम नंबर होता है जो खुद से डिविजिबल हो और वन से डिविजिबल हो, उसको प्राइम नंबर कहते हैं। और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होता है, प्राइम नंबर होता है टू। ठीक है, अब कोई भी प्राइम नंबर, इस ए का मतलब क्या है? प्राइम नंबर लेस देन टू, प्राइम नंबर्स जो दो से छोटे प्राइम नंबर। तो दो से छोटा कोई प्राइम नंबर होता है नहीं, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर टू होता है। उससे छोटा अगर प्राइम नंबर की बात करें तो कोई नहीं होगा। ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर टू है ना? ठीक है, तो उससे छोटा प्राइम नंबर कोई सा नहीं होगा। तो ए के अंदर कुछ आएगा? कुछ भी नहीं आएगा, खाली जगह। ठीक है, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ए इज इक्वल टू डैश, ऐसे ब्रैकेट बना देंगे, बीच में कुछ नहीं लिखेंगे, या फिर इस तरह से भी फाई से भी डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, है ना? तो लिख सकते हैं, इट इज डिनोटेड बाय इस तरह से, और फाइव, दो तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो कभी क्वेश्चन में एम्प्टी सेट लिखा हो, है ना, एम्प्टी सेट लिखा हो या फिर नल सेट लिखा हो और वॉइड सेट लिखा हो, ये तीनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तीनों एक ही मतलब है, तीनों आपस में सेम चीज़ है, एम्प्टी सेट को ही ये तीनों कहते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा टाइप है, यहाँ पर देखते हैं, सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप क्या? दो चीज़ें हैं इसमें, एक तो फाइनाइट है, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। ठीक है, फाइनाइट और इनफाइनाइट, जैसे नाम से पता चल रहा है, फाइनाइट मतलब जिसकी हमें पता है कहाँ तक जाएगा, है ना? इनफाइनाइट मतलब अनंत होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है अनंत। ठीक है, अनंत होता है मतलब इन्फिनिटी भी इस तरह से लिख देते हैं। तो इसमें हमें पता नहीं कितने एलिमेंट हैं। ठीक है, इन्फिनिटी का मतलब अनंत, मतलब नंबर ऑफ़ एलिमेंट नहीं पता है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट पता है। ठीक है, तो फाइनाइट किसको बोलेंगे? जिसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट पता हो। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट नोन, नोन मतलब पता होना, है ना? नंबर ऑफ़ एलिमेंट मुझे पता है। ठीक है, और यहाँ पे नंबर ऑफ़ एलिमेंट अननोन है। ठीक है, काउंट नहीं कर सकते, एक तरह से ये बोल सकते हैं। ठीक है, है ना? जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ए एक सेट है, ए इज ए सेट। ठीक है, ए इज इक्वल टू मैंने लिखा
ये मैं किस फॉर्म में लिख रहा हूँ, सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल, नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, जो वन से स्टार्ट होता है, तो 1, 2, 3, 4 है ना, लिखते जाऊँगा। अब मुझे पता नहीं कहाँ तक, उसने कोई लिमिट तो दे नहीं रखी कहाँ तक मुझे बताना है। तो नेचुरल नंबर तो सारे होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड तक जाते जाएगा, तो इसका कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो ये कौन सा टाइप हो गया, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। तो इसमें हम नंबर ऑफ़ एलिमेंट नहीं गिन सकते, ठीक है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट कैन नॉट बी काउंटेड, है ना, नंबर ऑफ़ एलिमेंट कैन नॉट बी काउंटेड, नंबर ऑफ़ एलिमेंट हम गिन नहीं सकते, तो इसको क्या बोल देंगे, इनफाइनाइट। सो इज इनफाइनाइट सेट। अब इसी तरह से एक और अगर एग्जांपल लूँ, बी मैंने बोल दिया कि एक्स सच दैट एक्स इज इवन नेचुरल नंबर लेस देन 11, ठीक है। एक्स क्या है, इवन नेचुरल नंबर है, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 11, 11 से छोटे इवन नेचुरल नंबर क्या क्या हो सकते हैं। तो नेचुरल नंबर पता है 1 से स्टार्ट होगा, इवन क्या होगा, जो 2 से डिविजिबल होगा। तो पहला इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर 2 हो गया, ठीक है, फिर 4 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 8 हो गया, 10 हो गया, 12 नहीं लेंगे क्योंकि लेस देन 11 बोला है। अब इसमें क्या है, हम नंबर ऑफ़ एलिमेंट बता सकते हैं, इसमें 5 एलिमेंट है ना, नंबर ऑफ़ एलिमेंट गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते, नंबर ऑफ़ एलिमेंट इक्वल टू 5 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कैन बी काउंटेड, है ना। तो देयरफॉर बी इज ए फाइनाइट सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हम गिन सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब थर्ड है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट की बात होगी तो हमेशा इक्वल अगर होगा तो हमेशा दो चीज़ें को इक्वल करेंगे या तीन चीज़ों को, है ना। तो इक्वल के लिए हमेशा दो सेट की बात करेंगे, ठीक है। तो इसका अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ए एंड बी दो सेट की बात करेंगे, ठीक है। ए एंड बी आर टू सेट्स, दो सेट्स है ए एंड बी, है ना, आर सेट टू बी इक्वल। अगर इनको इक्वल मुझे कहना है, सेट टू बी इक्वल, अगर मैं इनको इक्वल कहना चाह रहा हूँ तो क्या करूँगा, ठीक है। देन नंबर ऑफ एलिमेंट, या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं बात करेंगे, ठीक है, एलिमेंट ऑफ ए शुड बी एग्जैक्टली सेम एज ऑफ सेट बी, ठीक है। ए और बी को इक्वल सेट कब कह सकते हैं, जब एलिमेंट ऑफ ए होगा एग्जैक्टली सेम होगा एलिमेंट ऑफ बी के, ठीक है, है ना। ए में जो एलिमेंट है एग्जैक्टली वही एलिमेंट बी में होने चाहिए। मान लो ए में मैंने बोला 4 एलिमेंट मैंने बोल दिए, 4, 5, 7, 9, ठीक है, ये 4 एलिमेंट है। और बी में मैंने बोला, ठीक है, 7, 5, 4, 9, ठीक है। अब देखो 7 इसमें भी है, दोनों में 5 भी है, 4 भी है, 9 भी है, तो ए और बी क्या हो सकते हैं, बोल सकते हैं इक्वल, है ना। देयरफॉर ए एंड बी आर इक्वल सेट्स, ठीक है, है ना। क्या मतलब है कि एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होने चाहिए, जो एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट बी में होना चाहिए, एग्जैक्टली सेम की बात हो रही है। ये नहीं कि नंबर ऑफ एलिमेंट 4 आ रहे हैं, 4 इसमें आ रहे हैं, एग्जैक्टली जो एलिमेंट इसमें मिले वही एलिमेंट दूसरे में भी मिलना चाहिए, तभी उसको क्या बोलेंगे, इक्वल सेट, ठीक है।